अस्सलाम वालेकुम, नाज़मस तड़का में आपका स्वागत है। तो आप नल्ली देख के तो पहचान ही गए होंगे कि आज लगता है या तो पाए का सालना बनने जा रहा है या तो पाए का सूप। तो मैं आपको बता दूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ नल्ली निहारी। जो नल्ली निहारी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ले ली हूँ पाए, और नल्ली वाले पाए हैं ये, बकरे का मैंने यहाँ पर ली हूँ। तो यहाँ पर ये 2 किलो, मैंने 2 किलो से भी थोड़ा ज़्यादा ही है, मैंने 2 किलो का, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले ली हूँ 2 किलो बकरे का, इस तरीके का नल्ली। और इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा, मैं 1.5 किलो ली हूँ बोनलेस मटन है, ये भी बकरे का ही है, इसमें हम 1.5 किलो वो भी ऐड कर देंगे। तो और इसको अच्छे से धो लेना है सबसे पहला। और ये धोने कैसा धोएंगे इसे, हम खाली नमक से और पानी डाल के नहीं धोएंगे, उसमें क्या है अच्छे से पूरा क्लीन नहीं होता और उसमें बहुत सारे बाल लगे होते हैं, तो वो अच्छे से खाली नमक से क्लीन नहीं होता। तो वो क्लीन करने के लिए मैं आपको बता दूं, आप इसमें नमक और थोड़ा सा आटा, गेहूं का आटा, वो लेके मसल के अच्छे से उसे धोएं। और वो स्टेप आपको 2 बार करना है, एक बार अच्छे से नमक और आटा डाल के मसल लें, अच्छे से उसकी सारी बाल है जिस ऐसे सब उसको मसल के अच्छे से इसको ऐसा क्लीन करके और फिर धो लें। धोने के बाद एक बार में आधा से ज़्यादा तिया साफ़ हो जाएगा। उसके बाद डबल से आप वही रिपीट करें, नमक और आटा डाल के फिर वापस इसको अच्छे से मसल के क्लीन करेंगे तो जितने इसमें बाल लगे होते हैं बारीक बारीक, वो सारे साफ़ हो जाएंगे। और अच्छी तरीके से फिर पानी से अच्छी तरीके से 4 से 5 पानी, जितने पानी से आप धो सकें अच्छी तरीके से इसे पहले क्लीन कर लेना है हमें। तो चलिए, अभी से बनाने के लिए हम एक ले लेंगे बड़ा सा टोप। तो चलिए, यहाँ पे देखिए मैंने एक ले ली हूँ इस तरीके का बड़ा बर्तन, बड़ा टोप है ये, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इस वजह से हमें बड़ा बर्तन चाहिए रहेगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और इसे एकदम अच्छी तरीके से हम गरम हो जाने देंगे। इस तरीके का गरम हो जाने देंगे कि तेल से धुआं निकलने लगे, इस तरह से अच्छे से गरम कर लेंगे। चलिए, तेल हमारा एकदम अच्छी तरीके से गरम हो गया है, और तेल को अच्छे से गरम हो जाने के बाद गैस को थोड़ा स्लो कर दें, नहीं तो, और तेल एकदम अच्छे से धुआंदार हो गया है। और अब हम डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई प्याज, ये 1.5 किलो से ज़्यादा ही प्याज है, इस तरीके से बारीक कटी हुई प्याज हम डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गैस को तेल अच्छे से गर्म होने के बाद गैस को स्लो इसलिए कर देना है कि तेल एकदम गर्म धुएँदार था, और तुरंत ही हम गैस को हाई फ्लेम पर रख के फिर अनियन को डालते तो अनियन फटाक से जलने का चांसेस रहता है, इस वजह से स्लो कर देना है। और अब इसे हम थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को, चलिए ये देखिए हमारी प्याज हो गई फ्राई। प्याज को इतना लाइट ब्राउन फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है हमने, वो ऐड कर देंगे हम इसमें। और ये डालने के बाद भी हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। चलिए, 2 मिनट इसे भूनने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी सारी नल्लियाँ, सब ऐड कर देंगे इसमें हम। नल्ली सारी ऐड करने के बाद जो ये हमने बोनलेस गोश्त लिया, मटन लिया था, वो भी ऐड कर देंगे इसमें।
और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये सबको मिक्स करने में थोड़ा सा टफ होता है, तो इसकी वजह से बड़ा बर्तन रहेगा तो हमको आसानी पड़ता है मिक्स करने में। चलिए अब इसके बाद में मैं ऊपर से इसमें और डाल दूंगी बारीक कटी हुई प्याज, कच्ची प्याज। थोड़ा हमने फ्राई किया है, थोड़ा हम कच्चा ऐड कर लेंगे, और ये कच्चा और ब्राउन किया हुआ दोनों मिक्स करके इसे भूनेंगे हम। इसमें स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और इसमें साथ ही में हम डाल देंगे नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब ये प्याज अपना पानी छोड़ेगा और मटन से भी पानी छूटेगा, और ये इसी दोनों के पानी में ही हम मसाले को भून लेंगे, थोड़ा मटन को अपने नली पाए को पका लेंगे। चलिए ये मटन को और प्याज को डाल के हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर के बाद ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 3 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची तो तीखा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसमें। और 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है हल्दी पाउडर। अब ये सबको हम फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और फिर इसे 2 मिनट तक के फिर हम इसे मसालों के साथ भून लेंगे। ये निहारी बनाने में यही है कि हमें थोड़ा समय ज़्यादा देना होता है, और थोड़ा थोड़ा स्टेप पे इसे हम भून भून के अच्छी तरीके से हमें बनाना होता है, तभी हमारी निहारी बढ़िया बन के रेडी होती है। और इसे अब मसाले ऐड करने के बाद फिर मैं 2 मिनट इसे अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए पाउडर मसाले ऐड करने के बाद भी अच्छी तरीके से मसाले को हमने भून लिया है, और ये देखिए अच्छे से भूनना है, और इसे हमें तले में इसका मसाला जलने नहीं देना है, पकड़ने नहीं देना है, और मसाले को भी अच्छी तरीके से पका के भून लेना है। और अब इसमें हम डाल देंगे दही, और दही ऐड करने से पहले मसाला एकदम अच्छी तरीके से पका होना चाहिए, भुना होना चाहिए, नहीं तो दही अगर मसाला अच्छा पका नहीं रहा तो दही इसमें डाल देंगे तो फट जाएगी दही, और दही फटेगी तो मसाला अच्छे से पक नहीं पाएगा, तो पूरा मसाला कच्चा ही रह जाएगा। तो चलिए अब इसमें मैं डाल देती हूँ, मैंने अच्छे से भून लिया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे दही। यहाँ पर मैं ली हूँ 300 ग्राम दही है, ये ऐड कर दूँगी मैं इसमें, और ऐड करते ही इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दही डालने के बाद इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है फटाफट से, और अब इसे दही डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक के हम इसे भून लेंगे मसालों को मीडियम फ्लेम पर। चलिए दही डालने के बाद भी इसे 2 से 3 मिनट तक के मैं अच्छे से पका ली हूँ। देखिए कितना बढ़िया मसाला भून चुका है हमारा। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, और पानी हमें कौन सा डालना है, गरम पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है, गरम पानी हम इसमें ऐड करेंगे। और ठंडा पानी डालने से क्या होता है, हमारा कुकिंग का प्रोसेस जो है पकने का वो रुक जाता है, इस वजह से खास कर ध्यान रखें कि हम इसमें पानी डालने के टाइम गर्म पानी डालें। चलिए देखिए मैंने पानी डाल दी हूँ, और पानी डालने के बाद और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 1 घंटा या 45 मिनट या 50 मिनट तक के, जब तक के हमारा गोश्त अच्छे से पाएगा पक नहीं जाता, तब तक के हमें इसे अच्छे से पका लेना है। और उसे पकने में तकरीबन 45 से 50 या 1 घंटा तो लगता ही है, क्योंकि इसे हमें स्लो पे पकाना है मीडियम फ्लेम पर।
और निहारी का यही होता है कि निहारी जितना अच्छा बनता है उतना ही उसे पकने में समय लगता है। तो पकने में समय, वैसा तो हम बाहर जब निहारी खाते हैं तो वो पूरी रात भर पकती होती है, उसके बाद हम उसे वो सुबह सर्व किया जाता है, सुबह खाते तो वो निहारी बहुत ही बढ़िया बनी होती है। अब घर में हम पूरी रात भर तो पकाएंगे नहीं, लेकिन इसे घंटा एक घंटा तक के तो स्लो फ्लेम पर हम धीरे धीरे इसे पकने देंगे। हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है, धीरे धीरे स्लो पे ही हमें पाए को अपने गला लेना है अच्छे तरीके से। तो चलिए अभी से हम ढक के कवर करके स्लो फ्लेम पर पका लेते हैं, तकरीबन 50 से 60 मिनट एक घंटे के लिए हम पकने देंगे इसे। तो चलिए जब तक के हमारा पाया गल रहा है, कुक हो रहा है, तब तक के हम निहारी का एक बहुत ही बढ़िया निहारी का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए ले लेंगे सबसे पहला हम 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है, तीखा नहीं होता, और 2 से 3 तेज़पत्ते, और 2 इंच की 2 टुकड़ा, इस तरीके से 2 स्टिक मैंने दालचीनी ले लिया है, और यहाँ पे ले ली हूँ मैं 2 स्टार फूल और 3 बड़ी इलायची, थोड़ा सा जावित्री, 5 से 6 हरी इलायची, 15 से 20 ये लौंग ले लेंगे हम, और थोड़े ले लेंगे हम पत्थर के फूल, यानी दगड़ फूल भी कहते हैं इसे, पत्थर का फूल भी कहते हैं इसे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लेंगे ज़ीरा, जो नॉर्मल ज़ीरा है वो ज़ीरा ले लेंगे, और थोड़ा सा हम ले लेंगे शाहज़ीरा, ये शाहज़ीरा है, ये भी हम ले लेंगे इसमें, और थोड़ा सा लेंगे हम काली मिर्च, और थोड़ा सा लेंगे हम सौंफ, ये हम निहारी का मसाला रेडी कर रहे हैं, और ये खसखस यहाँ पे मैं ले ली हूँ, थोड़ा सा खसखस है ये, और थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा सरसों राई के दाने ले लेने हैं हमें, और यहाँ पे ली हूँ मैं सूखे हुए गुलाब के फूल, वो ले ली हूँ, ये भी ऐड कर देंगे इसमें हम, और थोड़ा सा सोल्ट का पाउडर यानी अदरक का पाउडर, ये भी हम ले लेंगे इसमें, और ये यहाँ पे ली हूँ मैं जायफल के टुकड़े, एक जो जायफल है इस तरीके का उसे तोड़ के मैंने उसका आधा हिस्सा ले लिया है और इस तरीके से मैंने तोड़ दिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा ले लेंगे हम सूखी धनिया, वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा भुने हुए चने का आटा, जो भुना हुआ चना है आप उसको मिक्सी जार में पीस लेंगे तो इस तरीके का आटा पाउडर बन जाएगा, वो भी ऐड कर देंगे इसमें हम, और थोड़ा सा जाएगा केसर के धागे, थोड़ा सा केसर के धागे हमें डाल देना है। चलिए अब इसे हम अच्छे से थोड़ा सा पैन में हम रोस्ट कर लेंगे, ये मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और ये सारे मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसे गैस ऑन करके हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, इसे हम खाली जो मसाले रख के थोड़े से सॉफ्ट नरम हो जाते हैं बस उसकी क्रिस्पीपन करने के लिए बस उतना ही रोस्ट करेंगे हम, उतना ही फ्राई करेंगे। चलिए ये देखिए मैं गैस पे पैन को रख चुकी हूँ और इसे बस हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है, ज़्यादा हमें जलाना नहीं है कि इसमें हमने पाउडर मसाले भी डाले हैं तो हमें ज़्यादा भुनना या ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये क्रिस्पीपन हो जाए सब मसालों का उतना ही हमें भून लेना है।
चलिए ये हो गया, हमने भून लिया अच्छी तरीके से। अब बस अब गैस को कर देंगे हम बंद और इसे ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होएगा फिर हम मिक्सी जार में इसका अच्छे से पाउडर बना लेना है हमें। ये देखिए हम मैंने इसे मिक्सी जार में डाल के एक अच्छा सा पाउडर बना लिया है और ये हमारा निहारी का मसाला हो गया है रेडी। चलिए हम अपना चेक कर लेते हैं जब तक के मटन कहाँ तक के हमारा पका है। इसे हम चेक कर लेते हैं और तकरीबन मैंने पूरा एक घंटा इसे पकाया है स्लो फ्लेम पर। देखिए एकदम बढ़िया मटन भी आया, नली सब अच्छे से पक चुका है। अब जो हमने मसाला निहारी का रेडी किया है अब वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये मसाला हमारा निहारी का वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैंने जितना वो निहारी का मसाला बनाया था वो मेरे मटन के हिसाब से है। अगर आप कम ज़्यादा बना रहे हैं तो मसाले की क्वांटिटी आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और मसाला डालने के बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। चलिए अब मैंने वो मसाला डाल के इसे 2 से 3 मिनट पकाई हूँ। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा गाढ़ा थिकनेस के लिए। वैसे तो हमारा मसाला ऐड करने पे ही थोड़ा गाढ़ापन हो गया है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे डाल रही हूँ। 1 चम्मच इस तरह से 1 चम्मच आटा है ये गेहूँ का और इसे थोड़ा पानी में घोल के मैंने इसमें ऐड कर देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये थिकनेस के लिए डाला जाता है कि गेहूं का आटे का घोल बना के या मैदे का आटे का घोल बना के थोड़ा सा निहारी में डाला जाता है, उससे क्या थिकनेस मिल जाता है हमारे ग्रेवी को। और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा केवड़ा वाटर। और थोड़ा सा कुछ केसर के धागे और ऐड कर देंगे हम इसमें, थोड़ा सा केसर के धागे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आटे का घोल डाला हमने तो इसे और 1 से 2 मिनट और पका लेंगे हम। चलिए अब आटे का घोल डाल के भी मैंने इसे 2 मिनट और पकाया। अब ये हमारा निहारी रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और ये अब कंप्लीट हो गई हमारी निहारी। तो चलिए अब मैं इस गैस को कर देती हूँ बंद और फटाफट से इसे सर्व करेंगे। ये इस तरीके से मैं कर रही हूँ सर्व। तरह से हम कर देंगे सर्विंग। चलिए मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है। अब थोड़ा सा हम गार्निशिंग करेंगे बारीक कटे हुए अदरक के लच्छे और कुछ हरी मिर्च और एक प्यारा सा हरा धनिया। ये हमारा हो गया कंप्लीट निहारी का प्लेट। तो कैसा लगा आपको मेरा ये निहारी का वीडियो? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और बहुत ही बढ़िया ये निहारी तैयार हुआ है, इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।